कैमरा मैन लगातार फोकस करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अग्नि अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है और ये देखिएगा। तो दोस्तों ये 24 कैरेट का खरा सोना जो है और ब्रह्मचर्य की ताकत है दोस्तों, सात्विक खाने की, सात्विक विचारों की ताकत है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरे शरीर देख रहे हो जी। ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरा पसीना देख रहे हो जी। ये ब्रह्मचर्य का बल है जो मैं खुला चैलेंज देकर और इंसान को उसकी औकात बता देता हूँ जी। अंडा मांस खाने वालों को, पाउडर डिब्बा खाने वालों को मेरा खुला चैलेंज है, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है जी। आर्य समाज से जुड़ा है जी और गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रहा, चित्त जैसी फुर्ती है जी। और इसने एक चीज साबित करके दिखाई है, भाई आओ किसी ने माँ का दूध पिया है तो मेरे बराबर का स्टैमिना दिखाओ, 24 घंटे लगातार ये कर सकता है, 24 घंटे लगातार, 24 घंटे लगातार सपाटे। अभी अभी दुनिया ने देखा है 10 घंटे लगातार 8100 सपाटे लगाए। अभी चंडीगढ़ से दिल्ली की एक यात्रा निकालेंगे जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, तो उस यात्रा में 15000 सपाटे ये हाईवे पे लगाएंगे। 5 घंटे के वर्कआउट के बाद इनकी जो ताकत है वो डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। यूरोप के डॉक्टर और वैज्ञानिक पागल हैं, खोपड़ी उनकी हिल चुकी है जी। उन्होंने ये डाउट हो गया, अभी इंजेक्शन लगाता हुआ राइट, तो इनके ऊपर रिसर्च हुआ, 7 दिन के टेस्ट हुए जी। उसके बाद डीएनए लिया गया जी। ये मिला कि इस देसी टारजन ने अपने जीवन से लेके अब तक, 25 साल की उम्र होगी अभी तक, अपने वीर्य की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने दी जी। और उस वीर्य को यदि बाहर ना जाने दे तो विज्ञान कहता है वो आदमी को पागल बना सकता है, गर्म होता है। हम तो हैरान ही हो रहे हैं ये अच्छा, कैसे कर रही है। आपने फेसबुक पे भी देख रखा है इनके बारे में? अभी देखा, सुबह देखा मैंने। अच्छा, आपको आपको भी लगता है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए? वो तो है, मेरा उद्देश्य है अपनी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना जी। और उसको क्या नाम, गो दिवस लागू कराना, जिस तरह मदर डे, फादर डे और आजकल फ्रेंडशिप डे, राइट राइट, मतलब माओ की माँ है गौ माँ, उसका दिन क्यों नहीं, उसका दिवस क्यों नहीं, बिल्कुल 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सारे ओन वो है रिकॉर्ड सारे, हवा वाई बातें नहीं है कुछ भी, सारे रिकॉर्ड हैं। और अभी चुनौती दी है आशुतोष भाई इन्होंने जी, ब्रोक लेसनर को जी, हम बुला रहे हैं उनको भी, जब ये 50,000 सपाटे लगाएंगे ना जी, ब्रोक लेसनर को, रोमन रेंज को जी, और इसको क्या नाम, टाइगर श्रॉफ को, अच्छा खली को जी, और एक जॉन सेना, ओके इन सबको बुला रहे हैं। यही हो सकता करनाल के स्टेडियम में ही करें हम, ओके जी जी। और अभी एक एलिना नाम की लड़की है अमेरिका से जी जी, उसने इसको अभी ऑफर किया शादी के लिए, ओ शादी का ऑफर था, वो बहुत लैंडलॉर्ड है अमेरिका जी, में जी जी। उसको जय गौ माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हमारे साथ में देसी टारजन है और इस वक्त मैं हरियाणा से लाइव मौजूद हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, करनाल का आइकॉनिक आंगन होटल, और यहाँ पे भाई को किसी ने चैलेंज कर दिया था दोस्तों, और अभी ये रुक ही नहीं रहे हैं। तकरीबन मैं आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ दोस्तों, लगातार सपाटे चल ही रहे हैं। तो ये जो कर्मू भैया का देसी टारजन है सपाटे मशीन, वो लगातार दोस्तों सपाटे पे सपाटे लगाए जा रहे हैं और देखने वाले हैरान है। ये देखिएगा पूरा पूरा होटल स्टाफ है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में देसी पत्रकार कर्मू जी हैं और जिन्होंने टारजन को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया है गौ माता की कृपा से। भैया जी ये मामला क्या था, क्या मामला ऐसे हो, देखो आपकी मेरी बात हुई जी जी, आप बोले भाई कर्मू भैया मनुष्य टारजन भाई का इंटरव्यू करना है। हाँ जी हाँ जी। अब आपका इंटरव्यू यहीं से शुरू हो गया। अच्छा, क्यों हो गया? क्योंकि ये देव भाई ना जो होटल आंगन से, अच्छा इसने कहा 2 दिन से आप भाई साहब यहाँ रुक रहे हो टारजन भाई जी जी, बाहर तो सपाटे चल रहे, हमारे को भी सपाटे दिखा दो। अब ये जो देसी टारजन है ये इतना पावरफुल इंसान है, ये भूल जाता भी मुझे रुकना कब है, राइट, फिर ये रुकने का नाम लेता, राइट। अब वो इंतजार में खड़ा कितनी देर से कि भाई ये रुके रुके सपाटे इन्होंने देख लिए दिखा दिए, अब रुकेंगे नहीं, अब आप है ना मौके पे अपना इंटरव्यू कर लो साथ साथ में, राइट, ठीक है ना जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अखंड ब्रह्मचर्य की ताकत है दोस्तों, कि अब मोहिभा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अखंड ब्रह्मचर्य की ताकत, जैसे हनुमान जी के अंदर वो बल था तो वो बल जो है देसी टारजन को याद आ चुका है। शुद्ध शाकाहारी है दोस्तों, कोई भी गलत तरीके का कुछ भी ऐसा सेवन नहीं, बिल्कुल साधारण सी दिनचर्या है। जंगलों में रहते हैं दोस्तों और सीधा गौमूत्र का पान करते हैं और गोबर से नहाते हैं, और ये आप देख सकते हैं शरीर में जो कांति है, ये जो आग भभक रही है, ये इनके अखंड ब्रह्मचर्य की ताकत है। मैं देख करके हैरान हूँ, आजकल के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं जो बड़े बड़े प्रोटीन शेक और नकली पाउडर दोस्तों खा करके बॉडी बॉडी वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन इस टारजन के आगे दोस्तों कोई भी नहीं टिक सकता है। और इंटरनेट की दुनिया पे दोस्तों, सोशल मीडिया पे एकदम वायरल है देसी टारजन, आप देख सकते हैं सपाटे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आशुतोष आपको एक बात बता दूं जी भैया, आप हैरान हो जाओगे जी, ये जो है
पांच घंटे के वर्कआउट के बाद इनकी जो ताकत है वो डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। यूरोप के डॉक्टर और वैज्ञानिक पागल हैं, खोपड़ी उनकी हिल चुकी है जी। उन्होंने ये डाउट हो गया, अभी इंजेक्शन लगाता हुआ राइट, तो इनके ऊपर रिसर्च हुआ, 7 दिन के टेस्ट हुए जी। उसके बाद डीएनए लिया गया जी। ये मिला कि इस देसी टारगेट ने अपने जीवन से लेके अब तक 25 साल की उम्र होगी अभी तक अपने वीर्य की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने दी जी। और उस वीर्य को यदि बाहर ना जाने दे तो विज्ञान कहता है वो आदमी को पागल बना सकता है, गर्म होता है राइट, तो पुरुष की पोरस होता है वो तो मनुष्य का जी। तो जैसे ही इन्होंने ये लगा कि भाई ये वीर्य मैं मतलब ब्रह्मचर्य तो राइट, फिर इसने वीर्य को अंदर रमा लिया राइट, तपा लिया, वीर्य बन गया वीर्यवान जी। ये आठवां अजूबा भी कह सकते हो जी, स्टेमिना मैन, पावर मैन, सुपर मैन, ही मैन, स्पाइडर मैन, ट्री मैन जी, मतलब जितने शब्द हम देख कम है जी, सपाटा सम्राट, सपाटा मैन, सपाटा मशीन जी, जी जितने भी शब्द देख कम है जी, जी। और अभी एक एलिना नाम की लड़की है अमेरिका से जी, जी उसने इसको अभी ऑफर किया शादी के लिए, ओ शादी का ऑफर था, वो बहुत लैंडलॉर्ड है अमेरिका जी, में जी, जी। उसको किसी ने कहा कि भाई मतलब उनकी अपनी अपनी सोच है, उसको उसकी उसने अपना ये बना रखा कि भी मुझे किसी से शादी करनी है तो किसी ब्रह्मचारी से करनी है राइट, उसको भी दिमाग में होगी कुछ चीज राइट, भाई बच्चा अच्छा होगा जी जी, तो ब्रह्मचारी से शादी करूंगी। तो इनके पास आया ऑफर, तो ट्रांसलेटर लेके आई हूँ जी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, बोला बहन आपका रॉन्ग नंबर डायल हो गया, मेरा उद्देश्य अपनी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और उसको क्या नाम गो दिवस लागू करना, जिस तरह मदर डे, फादर डे और आजकल फ्रेंडशिप डे राइट, मतलब माओ की माँ है गौ माँ, उसका दिन क्यों नहीं, उसका दिवस क्यों नहीं, बिल्कुल 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सारे ओन वो है रिकॉर्ड, सारे हवा वाई बातें नहीं है कुछ भी, सारे रिकॉर्ड है। और अभी चुनौती दी है आशुतोष भाई इन्होंने ब्रोक लेसनर को जी, हम बुला रहे हैं उनको भी, जब ये 50,000 से पट्टे लगाएंगे ना जी, ब्रोक लेसनर को, रोमन रेंज को जी, और इसको टाइगर श्रॉफ को, अच्छा खली को जी, और एक जॉन सेना, ओके इन सबको बुला रहे हैं जी। हो सकता करनाल के स्टेडियम में ही करें हम, ओके ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बाद दोस्तों एक इंडिया का आठवां अजूबा है जिसने इंडिया के झंडे दोस्तों अमेरिका तक गाड़ दिए हैं। अमेरिका और यूरोप की वैज्ञानिकों की टीम दोस्तों लगातार रिसर्च कर रही है देसी टारजन के ऊपर की भाई के अंदर ये जो इतनी स्टेमिना है ये है कैसे। अपना आइडियल महर्षि दयानंद सरस्वती को मानता है जी, आर्य समाज से जुड़ा है जी, और गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, गुरुकुलम राय चित्त जैसी फुर्ती है जी। और इसने एक चीज साबित करके दिखाई है, भाई आओ किसी ने माँ का दूध पिया है तो मेरे बराबर का स्टेमिना दिखाओ, 24 घंटे लगातार ये कर सकता है, 24 घंटे लगातार, 24 घंटे हाँ। लगातार सपाटे, अभी अभी दुनिया ने देखा है 10 घंटे लगातार 8,100 सपाटे लगाए, अभी चंडीगढ़ से दिल्ली की एक यात्रा निकालेंगे जी, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले जी, तो उस यात्रा में 15,000 सपाटे ये हाईवे पे लगाएंगे, लगाते हुए चलेंगे दिल्ली के इंडिया गेट तक सपाटे, 250 किलोमीटर की ड्यूरेशन है, हर 5 किलोमीटर पे 300 सपाटे लगातार चलाएगा जी, तो लगभग जिस तरह 300 सपाटे हो गए 5 किलोमीटर पे, 50 पॉइंट आ गए तो 15,000 सपाटे लगेंगे जी। और उसमें आप देखोगे दुनिया की एक ऐसी अनोखी झांकी होगी, शोभा यात्रा होगी जो किसी ने नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। तो दोस्तों मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा संसार क्रांति के जो देसी पत्रकार हैं कर्मू जी, जिन्होंने भारत की इस प्रतिभा को दोस्तों एक ग्लोबल मंच दिलाया और पूरे देश को, पूरे विश्व को दोस्तों अवगत कराया देसी टारजन की इस ताकत के बारे में। मैं अभी प्रयास करता हूं क्योंकि अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों पसीने ही इनका असली गहना है, आपको ये जो पसीना दिखाई दे रहा है दोस्तों यही इनका असली गहना है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो पसीने की बूंदे हैं दोस्तों, ये होटल आंगन करनाल में और देखने वालों का दोस्तों मजमा लग चुका है। आज देसी टारजन हर घर में, बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई इनको जानता है पहचानता है, और जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। मैं बता दूं आपको जी, इसकी जो खुराक है जी, क्योंकि सब खुराक पूछते क्या है जी, देसी गाय का मूत्र जी और दूध से बनी खीर जी, और सबसे बड़ी बात जी, जब इसकी मसल 24 घंटे के बाद थकती है थोड़ा बहुत जी जी, वैसे तो थकना भूल जाती है जी जी, थकती है तो देसी गाय का जो गोबर होता है जी, उस गोबर से ये अपने आप की जो फिर जो मांसपेशियों को रिकवर करते हैं ना जी जी, हमने टेस्ट करवाए भाई गोबर से कभी इन्फेक्शन होता है इनको जी जी, तो आपकी और मेरी स्किन का टेस्ट करवा लेना जी, अपनी स्किन में फॉल्ट मिल जाएगा, इनकी 100 की 100 मिली स्किन, किसका कमाल, देसी गाय के गोबर, क्योंकि गाय है ना जी, अपना ही देश है इकलौता जो गाय को और धरती को माँ कहता है, बिल्कुल जी, और गाय एक विज्ञान है खुद जी जी, तो
गाय 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है जी और 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। माता जी जैसे आप देख पा रही हैं कि इतना तेज है, इतना तप है कि अगर एक बार ये सपाटे मारना शुरू कर देते हैं फिर रुकने का नाम भी नहीं लेते हैं, थकना भूल जाता है जी, थकना भूल जाते हैं, थकान इनके डिक्शनरी में है ही नहीं है जी जी। तो ये तो माता जी क्या कहना चाहेंगी इनको देखने के बाद? आप भी हम तो हैरान ही हो रहे हैं ये अच्छा, कैसे कर रही है। आपने फेसबुक पे भी देख रखा है इनके बारे में? अभी देखा, सुबह देखा मैंने। अच्छा आपको आपको भी लगता है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए? वो तो है जी। देखो पंगा लिया इसने, देव ने, देव जी, देव बोला जी जी। तो दोस्तों अभी हम होटल आंगन में है और ये देव जी है जिनके जी जिन्होंने देसी टार्जन को चैलेंज किया और तकरीबन दोस्तों एक घंटे से लगातार ये भाई साहब खड़े हैं। इन्होंने बोल तो दिया लेकिन देसी टार्जन अब रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो देव भाई क्या चैलेंज दे दिया आपने टार्जन को? ये जी दो दिन से होटल आंगन में स्टे कर रहे थे। अच्छा ठीक है। इनके यहाँ पे जो प्रोग्राम होंगे या जहाँ पे भी था इनका जी जी, तो हमने जी देसी का पत्रकार कर्मू जी से बोला था कि भाई ये सब जगह सपाटे लगा रहे हैं, मार को भी दिखवाओ एक बार। अच्छा क्या पता बार बार लगा रहे हो, यहाँ लगते भी ना नहीं लगते। राइट राइट ठीक है जी। इन्होंने लगाई गुंठी चढ़ा दिया फिर जी। तो जी अब रुक दे नहीं। अच्छा तो बस चल रहे हैं जी, देख लो एक पैर पे कभी दो पैर पे। कितनी देर कितनी देर हो गया आपको इधर देखते? पौने घंटे तो हो गए जी। जिम में मारे बोला जी, सैंपल बोला था इन्हें, इसके लोग हंसी हंसी मसल ये जिम में जाता है जी जी। अच्छा एक बात बताओ, आजकल शहरों के युवा जो है बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर शेक ये सारा पी करके जिम में जो है हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको लगता है इनका मुकाबला कर भी पाएंगे? नहीं हो सकता सर, नहीं जो हो सकता। इनकी इम्यूनिटी है, जो इनकी एनर्जी है उस जी जी। से तो लगता है भाई, कि भाई अच्छा तो अर्जुन भाई का ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अग्नि अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है और ये देखिएगा तपन हो रही है, तपता रही है ब्रह्मचर्य की जो ज्वाला है इनकी। तो दोस्तों ये 24 कैरेट का खरा सोना जो है और ब्रह्मचर्य की ताकत है दोस्तों, सात्विक खाने की सात्विक विचारों की ताकत है। ये देखिएगा दोस्तों, और लगातार दोस्तों पसीने जो है पसीने से नहा चुके हैं। तो टार्जन भाई आपका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें करने के पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा उद्देश्य है, मुझसे पहले महान वीर क्रांतिकारियों का भी वो उद्देश्य था जी जी, देशभक्त राष्ट्रभक्त ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी क्रांतिकारियों का भी वो उद्देश्य था जी, और उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया जी, मेहनत की संघर्ष किया तभी जी, और अंग्रेजों को जूते मारकर बाहर निकाला देश जी, से जी, और मुगलों को निकाला यहाँ से ना, तो इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ पर अंडा मांस शराब दुराचार वेश्यावृत्ति का अड्डा बन जाए भारत। राइट, उन्होंने इसलिए निकाला सुखदेव राजगुरु भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो जी, राम प्रसाद बिस्मिल हो, बहन सुशीला दीदी हो जी, चंद्रशेखर आजाद हो जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जी, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था अगर देश के नेता महेश सिंह दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चलते जी, तो भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया होता, गुलाम ना होता जी। तो ऋषि देव दयानंद जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से 14 बार जहर को पचाया जी, और भारत में वीर क्रांतिकारियों को आशीर्वाद देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, भारत के तमाम सभी लोगों से जी, अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो जी, और आप कितने कीमती हो अपनी कीमत पहचानो, किसी के पीछे यूं ही दोम दलाकर मत भागो किसी के पीछे, अपनी कीमत को पहचानो, ब्रह्मचर्य का पालन करो जी, चरित्र का पालन करो। और लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता क्या है, कुछ भी नहीं, उदाहरण देते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से जी, मैंने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाई है ब्रह्मचर्य का पालन करने से जी, मैं 2 साल जी बेड पर रहा जी एक्सीडेंट होने के बाद जी, ठीक है, और ये बिल्कुल फट गया था मेरा ना घुटना जी, ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आज मैं 30,000-50,000 सपाटे मारता हूँ, समझ गए आप, 2 साल बेड में रहने के बाद जी, ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरे शरीर देख रहे हो जी, ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरा पसीना देख रहे हो जी, ये ब्रह्मचर्य का बल है जो मैं खुला चैलेंज देकर और इंसान को उसकी औकात बता देता हूँ जी, अंडा मांस खाने वालों को पाउडर डिब्बा खाने वालों को मेरा खुला चैलेंज है, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है जी, और हम ऋषि देव दयानंद के शिष्य हैं जी। तो दोस्तों महान गौ भक्त को मैं स्वयं प्रणाम करना चाहूंगा, और वाकई ये जो तेज है दोस्तों और ये जो संस्कार है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आवाज बुलंद करना चाहते हैं, भारत को अगर विश्व राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है जो कि अमृत बेला चल रही है दोस्तों, तो गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिए बगैर
क्योंकि गाय गंगा और गौरी को बगैर ऊंचा स्थान दिए बगैर असंभव है दोस्तों, हमें अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और आज मैंने अपनी आंखों से अखंड ब्रह्मचर्य और शुद्ध शाकाहार की ताकत देखी। बाकी दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करें, अपने आसपास के लोगों को देसी टारजन के बारे में बताएं दोस्तों, ये है हिंदुस्तान की असली ताकत दोस्तों। तो अभी के लिए जय जय सियाराम, जय गौ माता की।